सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने सिट्टू के साथ किया किसान बिल पर हल्ला बोल प्रदर्शन। ब्रजेश शर्मा ने बताया कि दिल्ली में किसान 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ पिछले 6 दिन से संघर्षरत है और सरकार अभी तक अड़ियल है। इसके अलावा किसान इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 का भी विरोध कर रहे हैं, जो बिजली में सब्सिडी खत्म कर देगा और बिजली वितरण का कार्य निजी क्षेत्रों को दिया जा रहा है। किसानों के ऊपर हरियाणा और दिल्ली पुलिस की बर्बरता की भी निंदा की। इस कड़कती ठंड में पानी की बौछार और लाठीचार्ज निंदनीय है। पहले ही किसान कृषि संकट के चलते आत्महत्या कर रहा है, उसके समर्थन मूल्य के ऊपर अनाज की कीमत नहीं दी जा रही है, ऊपर से मंडियों को खत्म करके अनाज की खरीद बड़े व्यापारियों के हवाले कर कानूनों के तहत किया जाएगा, जो किसानों को मान्य नहीं है। राजेश कुमार शर्मा, सिट्टू का जिला सेक्रेटरी, मंडी, हिमाचल प्रदेश से। आज जो प्रदर्शन अभी किया जा रहा है, ये मुख्यतः जो किसानों का आंदोलन अभी दिल्ली के अंदर चल रहा है, और पंजाब और हरियाणा के जो किसान दिल्ली जा रहे थे उनके साथ जो हरियाणा की सरकार ने और दिल्ली की केंद्र की सरकार ने जो किया है वो गलत है। और अभी सरकार ने जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं, 3 बिलों को जो पारित किया है, जिसका जो किसान विरोधी हैं, जो मजदूर विरोधी, उन बिलों को वापस लिया जाना चाहिए। और किसानों की जो मांगे हैं, जो MSP की मांग है और जो मांगे हैं, और जो कॉरपोरेट खेती की जो बात केंद्र की सरकार कर रही थी कि कॉरपोरेट खेती करनी है, उन सारी बातों को, उनकी जो बातें हो गैरबाजी बातें हैं, गैर कानूनी बातें हैं, वो मजदूरों और किसानों को है ना, उसको उनकी जो हक है, हकूक है, उनको बंधुआ बनाने की बात केंद्र की सरकार कर रही है। अभी हम ये जो सीटू का प्रदर्शन है, ये अखिल भारतीय स्तर के ऊपर आज किसानों के समर्थन में है। हम किसानों, जो किसान आंदोलन है, उनका समर्थन करते हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाना, उनकी बात को सुना जाना चाहिए। अगर उनकी बात को सुना नहीं जाएगा तो आने वाले समय में सीटू किसान सभा के साथ मिलकर के एक मजबूत आंदोलन को खड़ा करेगी। और ये जो सरकार विरोध ने जो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी जो फैसले इस कोरोना काल में लिए हैं, उनको वापस करने के लिए सरकार को मजबूर करेगी। आने वाले समय में डेफिनेट तौर पर ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन तीखा होगा, तेज होगा, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश की सरकार की और केंद्र की दिल्ली की सरकार की होगी। राजेश कुमार शर्मा, सीटू का जिला सेक्रेटरी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी डिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें।